क्या आप भी Realme C33 मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई कॉल में बात कर रहे हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई वीडियो या म्यूजिक चालू करते हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है, या फिर स्पीकर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम 100% फिक्स होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे आपकी साउंड से और स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो कर देना लाइक, साथ ही साथ चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको उसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि ये सारे आपके ऑन है कि नहीं, ये फुल में रहना चाहिए, तब आपके उसमें साउंड आएगा। उसके साथ साथ आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साइलेंट मोड, साइलेंट मीडिया एंड साइलेंट मोड। आप लोग जानते होंगे जब साइलेंट में लगा होता है तो आपकी इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आती, तो आपको ये चेक कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक और सेटिंग देखने को मिल जाती है, साइलेंट मीडिया एंड साइलेंट मोड। अगर ये ऑन होता है तो आपका नोटिफिकेशन भी ऊपर समझ में नहीं आएगा कि ये सेटिंग ऑन है, और यहाँ पर गेम, म्यूजिक, वीडियो और अदर्स ऐप में आपका कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, ये काफी सारे मोबाइलों में सेटिंग ऑन होती है और लोगों को पता नहीं होता, तो इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद क्या करना है, सिंपली से आपको गूगल को ओपन, तो इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पानी धूल बना है, तो आपको सिंपली से इस व्हाइट वाले में क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर आपके स्पीकर में कोई भी पानी या धूल मट्टी गया होगा या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिक्स हो जाएगी। सिंपली से आप इसमें क्लिक करेंगे, मोबाइल से एक फास्ट साउंड निकलेगी, तो आपको परेशान नहीं होना, ये ऑटोमेटिक ऑन होगी ऑफ होगी। आपको 3-4 बार इसको बजते रहना है 2 मिनट के लिए, ये 2 मिनट बजेगा ऑटोमेटिक आपका जो साउंड से रिलेटेड है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली फिर से एक बार इसमें क्लिक कर देना है तो ये ऑफ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी सेटिंग है, काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, तो आपको भी इसको यूज कर लेना है। तो ये 2-3 सेटिंग थी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो साउंड और स्पीकर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं। वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, साथ ही साथ चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।